सो हेलो एवरीवान वेलकम टू द डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव एंड द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ़ द फील्ड वर्क ट्रेडिशन इन एंथ्रोपोलॉजी सो फील्ड वर्क ट्रेडिशन का एवोल्यूशन विकास किस तरह से हुआ है उसको आपने बताना था सो इट वॉज वर्थ फिफ्टीन मार्क्स सो सबसे पहले वॉट आर द एसेंशियल्स ऑफ दिस क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन में आपको लिखना क्या क्या था पहला जो आपका काम होता है वो ये होता है कि इमीडिएटली आफ्टर रीडिंग अ क्वेश्चन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड नोट डाउन देंशियल्स ऑफ द क्वेश्चन उन चीज़ों को लिख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें इस क्वेश्चन में पूछी गई हैं क्या क्या इस क्वेश्चन में इसेंशियल है यानी कि आप एग्ज़ामिनर का कंटेक्सट समझ आइए कि एग्ज़ामिनर का आपसे चीज़ें पूछने का मतलब क्या है ठीक है एग्जामिनर क्या आपसे पूछना चाहता है उसकी उम्मीद क्या है आपसे सो द फर्स्ट थिंग इज वॉट आर द एसेंशियल इज फर्स्ट इज द डेफिनेशन एक आपको इसमें अच्छी सी फील्ड वर्क की एक कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन लिखनी है जो कि सब ने बहुत बढ़िया एक बहुत कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग अपनी डिस्प्ले की है रिगार्डिंग फील्ड वर्क कि फील्ड वर्क होता क्या है ओके द सेकेंड थिंग इज द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रेंड्स बोवा से लेके मलिनवस्की तक जिन लोगों का भी हेड ऑन एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितने भी नेचुरलिस्ट हुए हैं जितने भी एवोल्यूशनिस्ट हुए हैं जितने भी फंक्शनिस्ट हुए हैं जिनका प्रॉपर क्लासिकल फील्ड वर्क ट्रेडिशन में जिनका प्रॉपर क्लासिकल फील्ड वर्क ट्रेडिशन में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है वो लिखना है तीन इसमें मेन है एक है नेचुरलिस्ट ऑन ठीक है एक है आपके पास फ्रांस बोआ एवोल्यूशनिस्ट मॉर्गन आपके पास फंक्शनलिस्ट मलिनवस्की वस्की और आरसी ब्राउन तो इन लोगों का नाम लिखना जरूरी है इन लोगों ने क्या क्या अपने कंट्रीब्यूशंस दिए वो लिखने जरूरी है मेरे ख्याल से सबको इनके कंट्रीब्यूशंस के बारे में पता था क्योंकि सब ने बहुत बढ़िया से इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन हैं वो लिखे हैं ठीक है अलॉन्ग विद देयर वर्कस सबसे पहले आपके पास मॉर्गन आते हैं फिर फ्रांस बोवा आते हैं हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म वाले मॉर्गन एवोल्यूशनिज्म वाले फिर उसके बाद हैडन आते हैं ठीक है उनका बैरिन स्टेट वाला एक्सपीडिशन सब ने बढ़िया से लिखा हुआ है फिर उसके बाद आपके पास फंक्शनलिस्ट uh, आते हैं मलिनोस की आते हैं रेड क्लिफ पहले रेड क्लिफ ब्राउन का काम है फिर उसके बाद मलिनोस की का काम है मलिनोस की इसमें पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन लेके आते हैं ठीक है फील्ड वर्क को कुछ प्रिंसिपल्स देते हैं कि अगर आपने फील्ड वर्क करना है तो आपके पास क्या कुछ होना चाहिए तो जो कंट्रीब्यूशन हैं वो ने बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं ठीक है सो आई डोंट थिंक कि मुझे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन को बताने की जरूरत है जो एक एक लाइन आपने लिखी है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट इससे ज़्यादा का ना टाइम होता है वहाँ पे ना ही ना ही आपके पास स्पेस होती है ओके okay, जो सब ने मिस कर दिया है और ये भी बड़ी ताजुब वाली बात है कि कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जो सभी लोग बहुत अच्छे से लिखते हैं कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कोई भी प्रॉपरली नहीं लिख पाता है। ठीक है तो जो आपके मेन जो पार्ट रह गया है जो तीसरा असेंशियल पार्ट है वो ये है कि आपका जो प्रिंसिपल्स हैं फील्ड वर्क कंडक्ट करने के वो किस तरह से इवॉल्व हुए हैं वो किस तरह से चेंज हुए हैं जो मलिन वस्की ने प्रिंसिपल्स किए थे और जो आपके पास बाद में पोस्ट मॉडर्निज्म वाले प्रिंसिपल्स आए हैं पोस्ट मॉडर्निज़्म तक कोई नहीं पहुंच पाया है सभी ने अपनी जो गेम है सभी ने जो अपना आंसर है वो मलिनकी के साथ ही खत्म कर दिया है उसके बाद बस लिख दिया कि इंपॉर्टेंस क्या है फील्ड वर्क की आजकल फील्ड वर्क कैसे चल रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा कि यानी कि आजकल रेलिवेंस क्या है फील्ड वर्क का क्वेश्चन की डिमांड के साथ स्टिक रहिए क्वेश्चन की डिमांड को पूरा कीजिए अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा लिख रहे हो मोर देन वन और टू लाइन्स इट इज नथिंग बट वेस्टेज ऑफ द टाइम एंड स्पेस विच इज ऑलरेडी वेरी क्रूशियल इन द एग्जामिनेशन ओके तो ऑलवेज ऑलवेज स्टिक टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्वेश्चन की डिमांड के साथ ही बने रहें सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है फिर उसके बाद आपको कॉन्ट्रीब्यूशन लिखने हैं फिर उसके बाद आपने कंपेरिजन ड्रॉ करना है कंपेरिजन इन द क्लासिकल फील्ड वर्क ट्रेडिशन स्पेशली गिन बाई मलिनकी एंड अदर्स एंड द पोस्ट मॉडर्निज उसके बाद जब आपके पास पोस्ट मॉडर्निस्ट आए हैं जो आपके पास कॉग्नेटिव एंथ्रोपोलॉजी लोग लेके आए हैं उन्होंने क्या प्रिंसिपल मॉडर्न प्रिंसिपल्स किया है फील्ड वर्क के आपको वो ड्रॉ करने हैं तो ये जो तीसरा पार्ट है मॉडर्न प्रिंसिपल्स वाला पार्ट है कंपेरिजन वाला पार्ट है ये किसी ने नहीं, नहीं लिखा है सो आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट पर्टिकुलर पार्ट ओके सो मलिनोस्की ही फेवर्ड द लॉन्ग टर्म एंड रिगरस फील्ड वर्क जो कि आपके पास पोस्ट मॉडर्निज पोस्ट मॉडर्निस्ट ने भी रखा कि ये होना चाहिए एक एथनोग्राफर को ये कंडक्ट करना चाहिए एंड शिफ्ट फ्रॉम द शीयर डाटा कलेक्शन टू द डीपर एनालिसिस कि रादर देन कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम द सेकेंडरी सोर्सेज यू शुड गो एट द फील्ड यू शुड स्टडी द नेटिव एंड देन ट्राई टू इंटरप्रेट द डाटा ट्राई टू डिडक्ट द प्रिंसिपल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डाटा ओके तो उनके जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे वो क्या क्या थे रिसाइड फॉर लॉन्ग टर्म विद पीपल टू बी स्टडीट जो नेटिव लोगों को आप स्टडी करना चाहते हैं उनके साथ कुछ वक्त स्पेंड करें उनके साथ रहें आप ज्यादा टाइम लॉन्ग टर्म स्टेज करें पहले रैपिड रूरल एनालिसिस चल रहे थे रैपिड रूरल यानी कि बहुत कम टाइम के लिए जो रिसर्चर्स थे वो रूरल एरियाज में जाके रह रहे थे सो मरीनोस इज अगेंस्ट दैट उनका कहना है कि जब तक आप डीप एनालिसिस नहीं करते हो ट्रेडिशन का तब तक आप प्रॉपर डाटा कलेक्ट नहीं कर पाओगे ठीक है देन लर्निंग एंड यूजिंग द लोकल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन कि आप लोकल लैंग्वेज को सीखें और आप लोकल लैंग्वेज में लोगों से प्रश्न पूछें यूजिंग पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को यूज़ करना फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा ठीक है यहां पे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन स्पेशली आफ्टर मलिनवर्स की अगर आप फील्ड वर्क ट्रेडिशन देखते हो एथनोग्राफी का एंथ्रोपोलॉजी में ट्रेडिशन देखते हो तो आफ्टर मलिनमर्स की जितने भी आपके पास मेजर स्टडीज कंडक्ट की गई हैं वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पे ही स्टडीज की गई हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में भी यही होता है कि आपको खुद पार्टिसिपेट करना पड़ता है कल्चरल सिस्टम्स में नॉट ओनली इन एक्टिविटीज बट कल्चरल सिस्टम्स यू हैव टू बिकम पार्ट यूर कि आप अपने आप को एज अ पार्ट देखना होता है उन उस कल्चर का ताकि आप उस कल्चर का जो नेटिव प्रस्पेक्टिव है वो समझ सके इसीलिए उन्होंने मलिनोस्की ने कहा दैट यू शुड लर्न द लैंग्वेज ऑल्सो कि आपको लैंग्वेज भी लर्न करनी चाहिए ताकि आप उनके बीच में ब्लेंड कर सको ग्रेस्पिंग द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द नेटिव पीपल ठीक है उनके कल्चर में खुद को ब्लेंड कीजिए पार्टिसिपेशन कीजिए पार्टिसिपेट करके देन ऑब्जर्व देम सो दैट यू आर एबल टू ग्रेस्प देयर नेटिव व्यू पॉइंट उनका व्यू पॉइंट आप जान सके ठीक है तो इस तरह से आपको जो है फील्ड वर्क करना चाहिए सो मन वस्की ने यह चार आपके पास जो प्रिंसिपल हैं वो दिए देन उसके बाद मॉडर्न एथनोग्राफी आई ठीक है दैट वॉज प्राइमर दिस मॉडर्न एथोनोग्राफी दिस वॉज प्राइमरली एट द बिगिनिंग ऑफ द पोस्ट मॉडर्न पीरियड ठीक है 1968 और 1960s, 70s के बीच में कॉनक्लिन ने ये कुछ प्रिंसिपल्स ड्रॉ किए कि ये प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने चाहिए अगर आप बढ़िया फील्ड वर्क करना चाहते हो देखिए होता क्या है इसको जानना बड़ा जरूरी है कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के साथ दिक्कत क्या है जो पहली दिक्कत है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में वो ये है कि नॉट ऑलवेज इट इज़ पॉसिबल टू पार्टिसिपेट इन अदर्स कल्चर इस चीज़ को समझें जब मलिन वस्की ने फील्ड वर्क किया था ट्रोबरी एंड आइलैंडर्स में मलिन वस्की की ख़ास बात थी कि वो अपनी जो चेयर थी वो साथ में रखते थे ठीक है वो इवन ही वॉज नॉट एबल टू प्रॉपरली सिट विद दैम ठीक है वो प्रॉपरली उनके साथ बैठ भी नहीं पाते थे और जो इंसान प्रॉपरली आपके साथ बैठ नहीं सकता आपके साथ प्रॉपरली बात नहीं कर सकता अपनी चेयर अपने साथ में घसीट रहा है वो किस तरह से आपके साथ आपके कल्चर में ब्लेंड करेगा सो इन दी प्रैक्टिकलिटी इट इज नॉट इवन पॉसिबल टू ब्लेंड यूअर सेल्फ इन अदर्स कल्चर क्योंकि यार आप भी तो ह्यूमन हो आप भी तो इंसान हो मिट्टी थोड़ी हो कि ब्लेंड हो जाओगे ऐसे ही ठीक है इंसान खुद का अस्तित्व लेके चलता है इंसान खुद का वर्ल्ड व्यू लेके चलता है एंड इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर एवरी वन दैट टू चेंज दैट वर्ल्ड व्यू ऑफ यूर सेल्फ टू ब्लेंड प्रॉपरली इन अदर्स कल्चर ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता बहुत बार अगर आप खुद को ब्लेंड भी कर लेते हो ऑब्जेक्टिविटी इज लॉस्ट आप ऑब्जेक्टिवली लोगों को कैसे बताना है आप प्रॉपरली एथनोग्राफी नहीं लिख पाते हो देखिए लोगों को बताने के लिए आपको एथनोग्राफी लिखनी पड़ती है ठीक है एथनोग्राफी में एक रिसर्चर क्या काम करता है एथनोग्राफी एथनोग्राफी में रिसर्चर को जो बाहर वाली दुनिया का व्यू पॉइंट है उसको भी कंसिडर करना होता है और जो नेटिव लोगों का व्यू पॉइंट है उसको भी कंसिडर करना होता है अगर तो वो पार्टिसिपेट कर गया तो वो सिर्फ नेटिव व्यू पॉइंट देखता है उसको बाहर वाला व्यू पॉइंट भूल जाता है या फिर उसको भूलना पड़ता है ओके okay? तो अगर वो पार्टिसिपेंट ही नहीं किया उसने कल्चर में प्रॉपरली मलिनवर्स की जैसा रह गया तो जो उसके पास डाटा आएगा वो डाटा डाटा ही फ्रॉड होगा वो डाटा सही नहीं मिलेगा उसको तो इन प्रॉब्लम्स के चलते कॉन्क्लिन ने कुछ चीजें बनाई ठीक है इसमें आपके पास सिंबोलिक्स की भी कॉन्ट्रीब्यूशन थी कॉगनेटिव एंथ्रोपोलॉजिस्ट की भी कॉन्ट्रीब्यूशन थी मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट की भी कॉन्ट्रीब्यूशन है तो उन्होंने कहा लॉन्ग पीरियड ऑफ इंटीमेट स्टडी कि लंबे पीरियड की इंटीमेट स्टडी करिए नॉट लेस देन एन एनुअल साइकिल एक साल रहिए जो आपके पास स्मॉल और वेल डिफाइंड कम्युनिटी है ताकि आप एट लीस्ट उनके सारे के सारे जो फेस्टिवल्स हैं उनको आप स्टडी कर पाओ आपको सिर्फ नॉलेज ऑफ लैंग्वेज नहीं होना चाहिए आपको नॉलेज ऑफ डायलेक्ट भी होना चाहिए सो दैट यू आर एबल टू

तो आपको अलग अलग टेक्निक्स इंटरव्यू भी लेनी लेनी आनी चाहिए शेड्यूल्ड इंटरव्यूज नॉन शेड्यूल्ड इंटरव्यूज यू शुड कंडक्ट केस स्टडीज फॉर द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फिनोमिना अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर फिनोमिना को सोशल चेंज को स्टडी करना है तो आपको केस स्टडीज भी कर, करनी आनी चाहिए ठीक है सो यू कैन यूज एनी टेक्निक ओके देन इम्प्रोवाइजेशन ऑफ द न्यू टेक्निक्स नई टेक्नीस बनाइए फॉर एग्जाम्पल कॉगनेटिव एंथ्रोपोलॉजिस्ट उन्होंने ट्राइड टेक्निक बनाई थी टू स्टडी द नेटिव व्यू पॉइंट प्रोपरली एंड यूज ऑफ द डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टेक्निक अलग अलग जो कंबिनेशन है टेक्निक्स का उसको यूज करने की कोशिश कीजिए ताकि आप बढ़िया से काम कर सको डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन सम ऑफ द ग्रुप एक्टिविटीज नॉट ऑल बट सम ऑफ द ग्रुप एक्टिविटीज में आप डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कीजिए जिसमें आप प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड फॉर अदर्स ट्राई टू रीड फ्रॉम देयर लिटरेचर उनकी लिटरेचर से जानने की कोशिश कीजिए उसकी उनकी लिटरेचर को जानने की कोशिश कीजिए क्योंकि नॉट ऑलवेज इट इज पॉसिबल टू पार्टिसिपेट इन ऑल द ग्रुप एक्टिविटीज अगर आपने इसी तरह से पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया देन द ऑब्जेक्टिविटी इज लॉस्ट आप कैसे समझा पाओगे बाहर वाली दुनिया को उन क्योंकि देखिए बाहर वाली दुनिया को समझाने के लिए बाहर का प्रोस्पेक्टिव आना जरूरी है आपको बाहर का प्रोस्पेक्टिव भी पता होना चाहिए अंदर वाली दुनिया को जानने के लिए अंदर का प्रोस्पेक्टिव लेना जरूरी है एंड इन दिस डायलेमा ह्यूमन कांट एग्जिस्ट या तो वो अंदर का हो जाएगा या फिर वो बाहर वाला बन सकता है तो इसको इसका जो सल्यूशन है वो पोस्ट मॉडर्निस्ट ने इस तरह से दिया कि कुछ ग्रुप एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट कीजिए जिस ग्रुप एक्टिविटीज में आप अपनी ऑब्जेक्टिविटी को कायम रख सकते हो बाकी ग्रुप एक्टिव बाकी एक्टिविटीज के लिए ट्राई टू रीड देयर लिटरेचर जो उन्होंने लिटरेचर लिखा है जो उनका काम ऑलरेडी हो चुका है जिस पे वो ऑलरेडी लिख चुके हैं उसके लिए आप वहाँ से अपना डाटा कलेक्ट करो कंडक्ट सम इंटरव्यूज कुछ इंटरव्यूज कंडक्ट करो शेड्यूल्ड नॉन शेड्यूल्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा ठीक है तो कुछ चीज़ों में पार्टिसिपेट कीजिए कुछ में आप रहने दीजिए देन लेस रिलायंस ऑन सर्वेज सर्वेज के ऊपर जो ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं उनके ऊपर बहुत कम रिलायंस रखिए डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा जो ऑलरेडी चीज़ें डॉक्यूमेंट हो चुकी हैं ट्राई टू हैव द्यू डाटा इन यूर हैंड ठीक है मलिनवस की भी यही कहते थे सो ऑब्वियसली नॉट एवरी थिंग इज डिफरेंट देर आर समरिटीज ऑल्सो ठीक है दैट इज वाई वी आर हमने जो की वर्ड यूज किया है क्वेश्चन में वो है एवोल्यूशन ठीक है देन शनिंग द इंटरव्यूज दैट आर कैरिड इन द आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट जो इंटरव्यूज ऑलरेडी हो चुकी है आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में लैब्स में या फिर आपके वर्कशॉप्स में उनको इन इंटरव्यूज को आपने मानना नहीं है जो एथनोग्राफीज ऑलरेडी लिखी जा चुकी हैं इन चीज़ों के ऊपर यू हैव टू डी कंस्ट्रक्ट एथनोग्राफीज़ ठीक है डी कंस्ट्रक्ट दिस इज अ की तो उनको आपको डी कंस्ट्रक्ट करना है उसमें जो चीज़ें एथनोसेंट्रिक लिखी जा चुकी हैं उनको आपने फाइंड आउट करना है और उन चीज़ों को आपने बाहर निकालना है डी कंस्ट्रक्शन के साथ ही आपने वो जो लिटरेचर है जो ऑलरेडी चीजें लिखी जा चुके हैं उस उससे आपने डाटा कलेक्ट करना है सो दीज आर सम ऑफ द प्रिंसिपल्स जो आपके पास बाद में 1970s सेवेंटीज में नाइनटीन में आने शुरू हुए हैं तो ये वाला जो एक डायमेंशन है ये लोग लिखना भूल गए थे फील्ड वर्क ट्रेडिशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने कंट्रीब्यूशंस लिखनी है फील्ड वर्क ट्रेडिशन का ये मतलब होता है कि आपने उसके साथ प्रिंसिपल्स भी लिखने हैं जो क्लासिकल फील्ड वर्क में प्रिंसिपल्स आए थे वो भी आपने लिखने हैं क्लासिकल फील्ड वर्क का मतलब जो मलिनोस्की का पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो फील्ड वर्क रहता है उसमें आए थे वो भी आपने लिखने हैं एंड आफ्टर दैट

तो आपने पहले कॉन्ट्रीब्यूशन लिखा कॉन्ट्रीब्यूशन में भी आपने एवोल्यूशन दिखा दिया मलिनोस्की में आपने दिखा दिया कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किया था फिर उसके बाद आप पोस्ट मॉडर्निस्ट के पास आ गए पोस्ट मॉडर्निस्ट ने भी चीज़ों को उस तरह से बताया कि अलग अलग टेक्निक्स यूज कीजिए सिर्फ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के ऊपर मत रहिए ट्राई टू यूज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट टेक्निक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा ठीक है तो दोनों चीज़ों को कंबाइन करके आपको कंक्लूड करना है न कंक्लूड दैट पार्ट दैट आपके पास जो फील्ड वर्क ट्रेडिशन है इट हैज बीन इवॉल्विंग वो इवॉल्व करता जा रहा है एज पर द नीड ऑफ रिसर्च जैसे जैसे आपकी नीड रिसर्च की नीड बदलती रहती है वैसे वैसे फील्ड वर्क ट्रेडिशन भी अपने आप को चेंज करता रहता है अपने आप को इवॉल्व करता रहता है तो यह आपका ओपिनियन बन गया एंड राइट दिस ओपिनियन इन यूर कंक्लूजन एंड ट्राई टू कंक्लूड द स्टेटमेंट ठीक है और कंक्लूड कर दीजिए अपने आंसर को तो दिस इज हाउ यू शुड राइट इस तरह से आपको अपने आंसर को लिखना है ओके okay. सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए फिर उसके बाद देखिए कि आपको किन किन चीजों की जरूरत है और उन चीजों को लिखिए फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में ये तीन चीजों की जरूरत थी एक अच्छी डेफिनेशन कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्कॉलर्स और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट देन द प्रिंसिपल्स दैट है ड्यूरिंग द क्लासिकल पीरियड क्लासिकल पीरियड का मतलब मलिनोस्की का वो फिलासफी वाला क्लासिकल पीरियड नहीं जो मलिनोस्की ने दिए हैं विसाविस जो आपके पास पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आए हैं 1970s का जो पीरियड चला है उसके बाद जो बनते चले गए हैं जो प्रिंसिपल्स वो देख लिखने हैं कईयों ने उसके बाद रेलिवेंस लिखा है कि आज क्या रेलिवेंस है वो भी वेलकम्ड है दैट थिंग इज ऑल्सो वेलकम्ड बट नॉट मोर देन टू टू थ्री पॉइंट्स ठीक है दो पॉइंट लिख दीजिए तीन पॉइंट लिख दीजिए इससे ज्यादा का मतलब नहीं बनता है कई पांच पांच पॉइंट्स लिख रहे हैं पांच पांच पॉइंट्स में पांच पॉइंट्स लिखते हो आधा पेज कम से कम चला जाता है लेकिन मैंने यहां पे रेलिवेंस पूछा नहीं है क्वेश्चन में ठीक है तो आप क्यों आधा पेज उस चीज के ऊपर लेके जाओगे जो कि क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है दो पॉइंट्स लिखिए तीन पॉइंट्स लिखिए जस्ट टच द डायमेंशन इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है देन कंक्लूड उसके बाद कंक्लूड कर दीजिए ओके देन द नेक्स्ट वन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैथड एंड मैथडोलॉजी ओके इसमें ज़्यादातर लोगों ने सबसे पहले मैथड को लिखा है फिर उसके बाद मैथडोलॉजी को लिखा है दिस अप्रोच इज़ ऑल्सो गुड बढ़िया अप्रोच है मोटा मोटी जो ऐसे पॉइंट जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये चार पॉइंट्स ये जो चार एसेंशियल चीज़ें हैं मेथड और मैथडोलॉजी को कंपेयर करते हुए वो आनी चाहिए ठीक है सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वॉट इज द मैथडोलॉजी एंड वॉट इज मैथड सी इन अ रिसर्च जब ओके रिसेंटली वर्ल्ड बैंक से इक्वाडोर को एक लोन गया था इक्वेडोरियन हाईलैंडर्स जो हैं जो इक्वेडोर के प्लेट्यू में रहते हैं प्लेट्यू रीजन में रहते हैं वो गिनी पिग्स को रियर करते हैं ओके okay? गिनी पिग्स को वो पालते हैं तो जब वो गिनी पिग्स को पालते हैं इट इज वेरी सेफ टू अज्यूम दिस दैट दे हैव नॉलेज ऑफ रियरिंग गिनी पिग्स ठीक है गिनी पिग्स को रियर करने की उनके पास एक नॉलेज एक कला है बट जो गिनी पिक्स को वो रियर करते हैं वो सिर्फ अपनी पर्सनल कंजप्शन के लिए रियर करते हैं बट ये ये जो रियरिंग वाला ट्रेडिशन है ये कई जनरेशन से चला आ रहा है एंड प्लस रिसेंटली वी हैव ऑल्सो सीन अ डेवलपमेंट ऑफ मार्केट्स टेडेंसीज इन इक्वाडोरियन पीपल जो इक्वाडोरियन जो इक्वाडोरियन नेटिव्स हैं उनमें गिनी पिग्स को बेचने की टेंडेंसी भी आई है यानी कि वो गिनी पिग्स को मार्केट में लेके ले जाके बेच भी रहे हैं बट यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जो उनके ट्रेडिशनल गिनी पिग्स हैं उनका रिप्रोडक्शन रेट बहुत लो है तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया और रिप्रोडक्शन रेट क्यों लो है क्योंकि वो प्रॉपर डाइट नहीं दे पाते हैं उनको प्रॉपर उनका न्यूट्रिशन नहीं है गिनी पिग्स का देन गिनी पिग्स दे आर रियड इन दी क्लोज स्पेसिस जहां पे वो रहते हैं क्लोज्ड स्पेसिस में वहीं पे अपने साथ उसको रियर करते हैं कोई साइंटिफिक अलग से उनका स्टबल नहीं बनाया जाता ओके okay? तो इस तरह की कुछ दिक्कतें आ जाती हैं गिनी पिग्स को रियर करने में मैं आपको ताकि आप समझ सको कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैथडोलॉजी एंड मेथड मैं आपको एक रियल एग्जांपल दे रहा हूं जो कि रिसेंटली हुआ है तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया वर्ल्ड बैंक ने इक्वाडोर की जो वर्ल्ड बैंक की एक एम भी होता है टू एलिमिनेट पावर्टी सो अंडर दैट पर्टिकुलर एम वर्ल्ड बैंक ने इक्वाडोर को एक लोन दिया है लोन दिया था ताकि आप जो गिनी पिग्स जो लोग रियर करते हैं जो नेटिव्स रियर करते हैं उनको आप पैसे दें ताकि वो टेक्नोलॉजी को बदल सकें वो अलग से स्टबल्स बना सकें वो मॉडर्न टेक्निक्स यूज कर सकें गिनी पिक्स का रिप्रोडक्शन इन्हांस करने के लिए मॉडर्न आप मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ ताकि जो ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं गिनीपिक्स की उनको आप मॉडर्नाइज कर सको वो ग्लोबल लेवल के ऊपर डेवलप हो सकें अगर आप इस इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करते हो इक्वाडोर में तो इकोनमिस्ट ने कहा था कि जो इक्वाडोर की गरीबी है उसको हम 80 परसेंट तक कम कर पाएंगे 80 परसेंट इज ह्यूज नंबर सो इतना बड़ा पोटेंशियल था इस चीज में बट व्हेन इक्वाडोर एक्सेप्टेड द लोन जब इक्वाडोर ने लोन एक्सेप्ट किया इन चीजों को प्रोपोगेट करना स्टार्ट किया सब्सिडीज देनी स्टार्ट की द फिगर्स देवर वेरी एस्ट्रॉनिशिंग फिगर्स आई कि लेस देन ट्वेंटी फैमिलीज हैव एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ गवर्नमेंट सिर्फ बीस फैमिलीज़ ने गवर्नमेंट का प्रपोजल एक्सेप्ट किया बाकी ने रिजेक्ट कर दिया लोन रिजेक्ट कर दिया उन्होंने ठीक है इतना सस्ता लोन जो कि इक्वेडोर को इतने सस्ते रेट में वर्ल्ड बैंक दे रहा था उस उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया उन्होंने सो सी दिस इज़ द प्रॉब्लम अब इस प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है ओके गवर्नमेंट्स ऑलवेज क्रिएट मेस। गवर्नमेंट्स मेस क्रिएट करती हैं सफाई के लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है कि ये मेस कैसे क्रिएट हो गया बताइए और उस प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन ढूंढना होता है यू हैव अ प्रॉब्लम फिर उसके बाद आपने उसका सोल्यूशन ढूंढना है ओके okay? उसका सोल्यूशन प्रॉब्लम क्या है कौन सा बेस्ट मेथड लगाया जा सकता है डाटा कलेक्शन के लिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेथडोलॉजी टू एनालाइज द एम ऑफ योर फील्ड स्टडी एंड हाउ यू आर गोइंग टू कंडक्ट दैट फील्ड स्टडी वट विल बी द वे ऑफ एनालाइजिंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम सो दैट रिलाएबल हॉलिस्टिक प्रैक्टिकल एंड ह्यूमनिस्टिक डाटा इज कलेक्टेड ठीक है इस डाटा जो डाटा आपके पास होगा उसमें ये क्वालिटीज ये चार क्वालिटीज होनी चाहिए इट शुड भी प्रैक्टिकल इट शुड भी साइंटिफिक इट शुड भी हॉलिस्टिक इट शुड भी ह्यूमनिस्टिक ह्यूमनिस्टिक का मतलब नेटिव नेटिव व्यू पॉइंट होना चाहिए उसमें हॉलिज्म होना चाहिए हर प्रोस्पेक्टिव से आपको डाटा कलेक्ट करना चाहिए एंड द बेस्ट वे बेस्ट टूल टू कलेक्ट दिस हॉलिस्टिक डाटा इज केस स्टडी मेथड ऐसा सोशल फिनोमिना हुआ हो उसके अराउंड हम केस स्टडी मेथड को लगाते हैं अगला क्वेश्चन मैंने वही पूछा था कि सोशल फिनोमिना के अराउंड केस स्टडी क्यों बेस्ट रहता है ओके okay? तो उसको हम मेथडोलॉजी कहते हैं फिर उसके बाद उन टेक्निक्स को अप्लाई कैसे करना है उसको हम मेथड कहते हैं सो मैथड इज अ वे ऑफ कंडक्टिंग एंड इंप्लीमेंटिंग रिसर्च चीजों को इंप्लीमेंट कैसे करना है कंडक्ट फील्ड के ऊपर कैसे जाके करना है उसको हम मैथड कहते हैं मैथडोलॉजी इट इज़ अ साइंस एंड फिलोसफी बिहाइंड द रिसर्च कि हमारा मेन एम क्या है हमारी मेन नीड क्या है वॉट इज द बेसिक फिलोसफी बिहाइंड दैट रिसर्च दैट यू आर गोइंग टू कंडक्ट एट यूर फील्ड ठीक है उसको आप मैथडोलॉजी कहते हो सो मैथडोलॉजी इज अ बिगर टर्म देन मैथड मैथड छोटा है मैथड मैथडोलॉजी को इम्पलीमेंट करने के लिए यूज किया जाता है द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड वेरी ग्लैडली सब ने इस पॉइंट को लिखा है इस चीज को लिखा है देन इट मीन्स मैथड सो मैथड इन्वॉल्व्स कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट्स टेस्ट सर्वे एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो टूल्स कैसे इम्प्लीमेंट कैसे करने हैं उन चीज़ों उन चीज़ों के साथ इन्वॉल्व रहता है वेयर एज मेथडोलॉजी स्टडीज डिफरेंट टेक्निक्स विच कैन बी यूटिलाइज टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट तो उनकी क्या टेक्निक वैलिडिटी क्या है इस पर्टिकुलर चीज में इस पर्टिकुलर सेक्टर में उसको आप देखते हो ठीक है कि हम अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं अप्लाई कर सकते उन टेक्निक्स को बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कल्चर इन विच यू आर स्टडी चीजों को जिसमें जह, जहां पर आप स्टडी कर रहे हो वहां पर आपको चीजों की प्रैक्टिकलिटी देखनी पड़ती है यहां पर तो आप लिख देते हो गए फला लगा दोगे फला लगा दोगे फील्ड पर जाके कहीं पर वह चीजें नहीं लगती हैं ओके इट इंक्लूड सेवरल टेक्निक्स जैसे केस स्टडी शेड्यूलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा वेयर एज मैथडोलॉजी इट इंक्लूड द स्ट्रैटर्जी वही बात आ गई ठीक है इट इज़ यूज टू प्रोवाइड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम फॉर एग्जाम्पल द गिनी पिग स्टडी डन बाय आर चे टी ये केस स्टडी की थी आर चे टी ने जो मैंने पूरी कहानी सुनाई है ये एक फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट की जुबानी है आरचे टी उनका नाम है ओके देन द मैथडोलॉजी इट इज अ प्रोसीजर ट हैज बीन यूज जिस जो प्रोसीजर आपने यूज करना है उसकी स्टडी को कहा जाता है तो ये जो चार पॉइंट्स हैं ये आपको लिखने ही लिखने हैं ये रिफ्लेक्ट होने चाहिए आपके आंसर में ठीक है अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल ठीक है तो ये आरचे टी वाला एग्जाम्पल आप दे सकते हो वहां पर अगर आप एग्जाम्पल के साथ चीजों को समझाते हो देन इट इज गुड बहुत अच्छी बात है ठीक है इट इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड चलिए सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज हाउ द केस स्टडी मैथड इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द सोशल फिनोमिना किसी भी सोशल फिनोमिना को समझने के लिए केस स्टडी मैथड इतना यूजफुल क्यों रहता है ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जानने के लिए पूछे जाते हैं कि आप कितना चीजों को समझ पाए हो होके इस आंसर को वही प्रॉपरली लिख पाएगा जो कि चीजों को प्रॉपरली समझ सकता है द पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपरली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट प्रॉपरली ही ओनली कैन राइट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन ठीक है वही इनके जवाब लिख सकता है वही इनके आंसर लिख सकता है देखिए सबसे पहले केस स्टडी होती क्या है थोड़ा सा बैकग्राउंड हम देख लेते हैं ताकि केस स्टडी को हॉलिस्टिकली समझ पाओ बिकॉज इस क्वेश्चन का आंसर किसी ने भी प्रॉपर नहीं लिखा है बाकी दो क्वेश्चन बियरेबल थे इनका जो आंसर मिला है मुझे दैट इज अनबियरेबल अपने ही जो आप देखिए आंसर में वो लिखना होता है जो एग्जामिनर पूछता है वो नहीं लिखना होता जो आपको आता है ओके सो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली देखिए केस स्टडी डेवलप कैसे हुई है ग्लकमैन और वेल्सन ने केस स्टडी डेवलप की थी केस स्टडी एक एंथ्रोपोलॉजिक मेथड है देखिए होता क्या है जब आप मॉडर्न लॉज लगाते हो कई बार ये जो मॉडर्न लॉज होते हैं दे आर इन दी कॉन्ट्रोडिक्शन विद द ट्रेडिशनल लॉज ये ट्रेडिशनल लॉज के साथ कॉन्ट्राडिक्शन में चले जाते हैं ये नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले होना स्टार्ट हुआ था कि जो मॉडर्न लॉज हैं वो ट्रेडिशनल लॉ से कॉन्ट्राडिक्शन में रह रहे हैं ठीक है तो आपको अगर देखिए आपको अगर केस प्रेजेंट करना है जज के सामने तो आपको दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू पता होना चाहिए आपको मॉडर्न लॉज की भी नॉलेज होनी चाहिए आपको ट्रेडिशनल लॉज लॉज की भी नॉलेज होनी चाहिए मॉर्गन ने भी तभी एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी किया था लॉयर से वो तभी एंथ्रोपोलॉजिस्ट बने थे क्योंकि वो व्यू पॉइंट जानना चाहते थे नेटिव्स का जो अमेरिकन इंडियंस हैं उनका व्यू पॉइंट जानना चाहते थे कि वो ऐसा बिहेवियर क्यों करते हैं तो अगर आपको किसी सोशल बिहेवियर को आपने स्टडी करना है तो आपको नेटिव व्यू पॉइंट जानना बहुत जरूरी है और फिर उसको नेटिव व्यू नेटिव बिहेवियर को उस बिहेवियर को उस सोशल फिनोमिना को आपको सेंटर में रखना पड़ता है और फिर लोगों से पूछना पड़ता है कि सर आपका इसके बारे में क्या ख्याल है आपका इसके बारे में क्या ख्याल है आपका इसके बारे में ख्या, क्या ख्याल है तो लोगों के व्यू पॉइंट्स मिलते हैं आपको उस सोशल फिनोमिना के बारे में उस सोशल बिहेवियर के बारे में और उस लोगों के व्यू पॉइंट से आप इसका अनुमान लगा सकते हो कि लोग ऐसा बिहेव क्यों करते हैं फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ रिसेंट केस हुआ है ब्रेक्सिट का ठीक है मैं कोई ज़्यादा क्लासिकल एग्जाम्पल नहीं लूँगा ब्रेक्सिट का केस ले लीजिए आप किस तरह से जान पाए थे कि लोग लोगों को जो कैम्ब्रिज एनालिटिकल जैसी फर्म्स हैं वो उनका माइंडसेट बदल रही हैं बिकॉज इट वॉज केस स्टडी डन बाय मैनी एंथ्रोपोलॉजिस्ट बहुत सारे स्पेशली शिकागो स्कूल ने इस इस चीज के ऊपर केस स्टडी किया कि आपने ब्रेक्सिट के फेवर में क्यों वोट डाला है। तो देखिए ब्रेक्सिट इट्स फिनोमिना वो एक सोशल फिनोमिना हो गया फिर उसके बाद लोगों का व्यू पॉइंट जानने की कोशिश की डिफरेंट डिफरेंट एंगल से कि सर आपने ब्रेक्सिट के फेवर में क्यों वोट डाला तो उन्होंने बताया कि ऐसे करके जी हमें तो फेसबुक की एड आई थी कि अगर आप ब्रेक्सिट के फेवर में वोट डालोगे देन यू कैन रिवर्स द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज ठीक है तो आप पोलर बियर्स को बचा सकते हो तो फिर देन दे ट्राई टू सी दिस पैटर्न फिर उसके बाद इस पैटर्न की स्टडी की गई कि यार ये पैटर्न ऐसा क्यों बन रहा है सभी लोग फेसबुक या फिर ट्विटर या फिर जो एड्स आते हैं गूगल के ऊपर उनके उनसे कैसे इन्फ्लुएंस हुए फिर उसके बाद किस तरह से लोगों को टारगेट किया गया ये सारी जो स्टडी है वो एक केस स्टडी के थ्रू की गई सो केस स्टडी इट इज इट इज अ मेथड इन विच अ सोशल फिनोमिना इट इज कैप्ट अ सेंटर उसको सेंटर में रखा जाता है और उस सोशल फिनोमिना के अराउंड ही स्टडी की जाती है ओके सो एंथ्रोपोलॉजिस्ट मैक्स ग्लेकमेन और वेन वेल्सन ने इसको डिवाइस किया था टू एनालाइज द कन्फ्लिक्ट एंड द लीगल डिस्प्यूट्स ठीक है कि मॉडर्न लॉज और ट्रेडिशनल लॉज में क्या कॉन्ट्रेडिक्शन आ रहा है इसको स्टडी करने के लिए ही उन्होंने ये टेक्निक अपनाई जिसमें एक केस को सेंटर में रखा जाता था और उस केस के अराउंड अलग अलग पहलुओं को चर्चा का विषय बनाया जाता था ठीक है मान लीजिए किसी ने मर्डर कर दिया तो उस मर्डर के साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं उस मर्डर के साथ ट्रेडिशनल लॉज जुड़े हुए हैं मान लीजिए कोई ऑनर किलिंग हो चुकी है ऑब्वियसली मॉडर्न लॉज में ऑनर किलिंग को एक मर्डर माना जाएगा बट वॉट अबाउट द ट्रेडिशनल लॉज वॉट अबाउट द नेटिव व्यू पॉइंट नेटिव व्यू पॉइंट क्या है ऑनर किलिंग के बारे में वट वॉज द मेंटेलिटी ऑफ दैट पर्सन रिगार्डिंग द ऑनर किलिंग वट वॉज द मेंटेलिटी ऑफ सोशल ऑफ द वट वार द कल्चरल मेंटेलिटी ऑफ वट आर द सोशल मेंटेलिटी रिगार्डिंग दैट ऑनर किलिंग रिगार्डिंग दैट मर्डर उसको स्टडी किया जाएगा वाई दैट मर्डर हैज हैपन वट सोशल चेंजेस है ने उस मर्डर को इंस्टिगेट किया है तो उसको देखा जाएगा एंड अकॉर्डिंग टू ऑल दोज व्यू पॉइंट्स आ ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन कैन बी मेड दिस इज नोन एज केस स्टडी ठीक है कि एक केस को सेंटर <coughs> में रखा गया है और फिर उसके बारे में चर्चा की गई है सो वन कुड गेट एन इनसाइट नॉट ओनली द स्ट्रक्चर एंड द नॉर्म्स बट ऑल्सो इन टू द प्रोसेस ऑफ द सोशल लाइफ ठीक है तो सच में आप उन लोगों की सोशल लाइफ को स्टडी करते हो पूरा लाइफ साइकिल उनका स्टडी करते हो देन यू क्व कम टू द कंक्लूजन सो द केस स्टडी इट मीन द इंटेंसिव स्टडी ऑफ अ केस और यहां पर केस क्या है सोशल फेनोमिना ठीक है हरेक चीज को हरेक पॉइंट को हरेक आर्ग्यूमेंट को क्वेश्चन के साथ जोड़िए देन द केस स्टडी इट इन्वॉल्व इन डेप्थ रिसर्च ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट एक पर्टिकुलर इवेंट की इन डेप्थ रिसर्च करनी होती है ठीक है जैसे ऑनर किलिंग का मैंने एग्जाम्पल दिया इंसिडेंट और फिनोमिना वेयर आर कम्युनिटी और अ ग्रुप ऑफ पीपल आर डायरेक्टली इन्वॉल्व और इफेक्टेड ठीक है तो इसकी एक इन डेप्थ रिसर्च करने के लिए केस स्टडी कहता है इसलिए ये बेस्ट मेथड है किसी फिनोमिना को किसी सोशल uh, फिनोमिना को स्टडी करने के लिए सो इन द केस स्टडीज डिफरेंट पीपल रिलेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द इनडायरेक्टली टू द इंसिडेंट वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो आपको अलग अलग परस्पेक्टिव के बारे में पता चलता है इसके साथ हॉलिज्म आता है आपकी स्टडी में देयर फोर इट इज द बेस्ट मेथड सोशल फिनोमिना हर एक आर्गुमेंट को वापस से क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करते रहिए सो इट इज अ मेथड ऑफ द क्वालिटेटिव एनालिसिस ठीक है एक क्वालिटी ऑफ डाटा के ऊपर ध्यान दिया जाता है अलग अलग डिसिप्लिन से डाटा को कलेक्ट किया जाता है ठीक है अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो इंटरव्यू में आप सिर्फ अपना डिसिप्लिन उसके साथ शेयर करते हो अगर आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो तो आप एंथ्रोपोलॉजिकल डाटा की डाटा को कलेक्ट करने की आपकी क्वेस्ट रहेगी बट इन द केस स्टडी द क्वेस्ट और द रेफरेंस इज ओनली द केस वो केस वही जो सोशल फिनोमिना है वही आपका रेफरेंस रहेगा और इसके अराउंड आपको किसी भी डिसिप्लिन से डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा आप करेंगे साइकोलॉजी से डाटा कलेक्ट किया जाता है एजुकेशनल साइड से कलेक्ट किया है सोशोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस अलग अलग डिसिप्लिन से डाटा कलेक्ट किया जाता है जस्ट टू स्टडी अ पर्टिकुलर सोशल फिनोमिना सो अ क्वालिटी ऑफ डाटा इसके ऊपर फोकस रहता है देयर दिस केस स्टडी दिस इज अ वैल्यूएबल मैथड एंड इट एम्स टू एट ऑब्टेनिंग अ कम्प्लीट एंड डिटेल्ड अकाउंट ऑफ अ सोशल फिनोमिना इस तरह से आप एक सोशल फिनोमिना का आप एक बढ़िया से अकाउंट ले सकते हो ठीक है और आ सोशल यूनिट लाइक फैमिली कम्युनिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा ओके देन इन द केस स्टडीज आप अलग अलग टूल्स अपना सकते हो जैसे लाइफ हिस्ट्रीज पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लेटर्स रिकॉर्ड्स बायोग्राफीज ऑब्जर्वेशन इंटरव्यूज एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो आपके पास मल्टी डिसिप्लिनरी मैथड है ये आपके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं इस मैथड्स में जो आप लगा सकते हो देयर फोर इट इज़ अ बेस्ट मैथड अराउंड अ सोशल फिनमिना ठीक है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथिस एक इसके साथ आप एक थ्यूरी बना सकते हो एंड दैट थ्यूरी इट कैन बी यूज टू प्रूव यूर केस ठीक है बाकी जो सारे के सारे मेथड्स हैं वो थ्यूरीज प्रॉपरली नहीं बना पाते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल थ्यूरीज का मतलब क्या है मर्डर क्यों हुआ तो आपको एक थ्यूरी बतानी पड़ेगी जज को स्टडी इज अ मेथड जिसके साथ सच में आप साइंटिफिक डाटा कलेक्ट करते हो विच इज मल्टीडिसिप्लिनरी विच इज होलिस्टिक और उसके साथ आप थ्योरी भी बना सकते हो ठीक है और उस थ्योरी के दम पे आप अपनी जो आगे की रिसर्च है वो कंटिन्यू कर सकते हो ठीक है आगे की जो चीजें हैं वो कंटिन्यू होती हैं लॉ में भी इसी तरह से काम होता है एंथ्रोपोलॉजी में भी इसी तरह से काम होता है ठीक है लॉयर्स ऑल्सो सी कि जो इस तरह से जो पीछे पिछले केसेस हैं उसमें कैसे थ्यूरीज बनाई गई थी उनमें कौन कौन सी थ्यूरीज बनी हैं और वो जज को रेफरेंस देते हैं उन थ्यूरीज का हम भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी इसी तरह से रिसर्च करते हैं जो पहले थ्यूरीज बनाई गई थी जो पहले हाइपोथीसिस बनाए गए थे हम उन हाइपोथीसिस को यूज करते हैं आगे की रिसर्च के लिए तो so, सोशल उस सोशल फिनोमिना के अराउंड जो हाइपोथीसिस हैं दे आर रीयूजेबल फॉर यूर फर्दर रिसर्च ठीक है इट इज अ बेस्ट मेथड, ठीक है तो इस तरह से जो चीजें हैं उसको आपने एनालाइज करना है ठीक है फिर उसके बाद इन दी कंक्लूजन पार्ट यू कैन सिंपली राइट समरी दैट व्हाई इट इज बेस्ट मेथड ठीक है ऑल दो इट इज वेरी इंटेंसिव ठीक है कई बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता है बट स्टिल ड्यू टू इट्स ड्यू टू इट्स इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैथड्स दैट यू हैव टिल नाउ इन दी एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च टू कैरी टू कैरी ऑन अ स्टडी ऑन अ सोशल फेनोमिना ठीक है कि अगर आप स्टडी करना चाहते हो किसी सोशल फेनोमिना की तो उसके अराउंड ये बेस्ट मेथड है ऑल दो इट हैव मैनी डी मेरिट्स ठीक है इंटेंस इट इज़ वेरी इंटेंसिव समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी प्रैक्टिकल समटाइम्स इंटरव्यूज जो आप सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करते हो दैट इज़ नॉट रिलाइबल बट स्टिल इट इज़ अ बेस्ट मेथड बिकॉज ऑफ इट्स होलिज्म एंड इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच सो दिस इज़ हाउ यू शुड कंक्लूड इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो सबसे इम्पॉर्टेंट है चीज़ों को समझना ठीक है चीज़ों को समझें ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंटरेस्टिंग है प्रोवाइडेड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड यू आर एबल टू इमेजिन वॉट इज गोइंग ऑन ठीक है अगर आप प्रॉपरली चीज़ों को इमेजिन कर पाते हो कि क्या चल रहा है फिजिकल स्टेट में तो तो ये चैप्टर बहुत आसान है बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप इन्हीं चीज़ों को प्रॉपरली समझ ही नहीं पाते हो सिर्फ रट्टे लगा रहे हो देन इट इज़ जस्ट नियर टू इम्पॉसिबल टू आंसर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है कि आप इन इस तरह के क्वेश्चन को आंसर कर सको चलिए सो थैंक यू वेरी मच सो अगर आपके पास कोई भी डाउट है अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस चैप्टर और एनी अदर चैप्टर प्लीज़ लेट मी नो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए आई एल फॉर श्योर ट्राई टू एड्रेस यूर क्वेरी थैंक यू वेरी मच